ड्रामा में हमने देखा कि हरीम जो है ना वो डेकोरेशन करती है ना जिस जगह की वो एक्चुअल में और किसी का नहीं होता बल्कि फाइज़ की ही सिस्टर की शादी की डेकोरेशन वो करके आई हुई है कहते हैं ना वा तो इज़्ज़्ज़्ज़्ज़ु मंतशा व तो झ्लु मंतशा इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है जिसे चाहे इज़्ज़त दे जिसे चाहे ज़िल्लत दे तो यहाँ पे यहाँ पर हम देखते हैं कि कहकशा आंटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हरीम की इंसल्ट करती हैं कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइबा भी काफ़ी इंसल्ट करती है और हम देखते हैं मुदसर को कि वो बहुत हैरान होता है और वो कहते हैं ये तो एक्चुअल में मेरी असिस्टेंट है तो ये सारी सिचुएशन तो क्रिएट हो जाती है लेकिन इज़्ज़त और ज़िलत अल्लाह के हाथ में है सो यहाँ पर बजाय कि हरीम की कोई इंसल्ट होती बल्कि कहकशा आंटी की अपनी इंसल्ट हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी लाइबा का रिश्ता वहीं पर टूट जाता है फैज़ और उसके बाप को फ़ौरी तौर पर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आगे क्या होगा अब कहाँ पर जाएँगी हमारी कहकशा आंटी और लाइबा इस